कल्पना जी, देश में एक बार फिर से संविधान को बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लोगों ने काफी विरोध करना शुरू कर दिया है ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर। देखिए, मैं सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और जो जैसे कि संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं लोग, अभी देवरा है जो प्रधानमंत्री का सलाहकार है, देवरा है, उसने अभी संविधान को बदलने की जो बात की है वो कोई आज कोई नई बात तो उन्होंने करी नहीं है कि संविधान को आज हम बदलना चाह रहे हैं। वो तो 1900 दशक से ही संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और उसमें संशोधन भी कर रहे हैं समय समय पर और काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार इस बात को बोला है कि संविधान को हम बदलने की बात कर रहे हैं। इसमें उन्होंने गलत क्या किया है? गलती तो हमारे अपने लोगों की है ना, कि वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं इस चीज की कि हम संविधान बदलेंगे, वो तो तुम्हें भी बदल देंगे। अब इस संविधान को खत्म कर रहे हैं, वो तो आपको भी खत्म करेंगे। देश को खत्म कर दिया है, शिक्षा को खत्म कर दिया है, रोजगार को खत्म कर दिया है, नौकरियों को खत्म कर दिया है, तो वो संविधान किस है, किसकी वजह से कह रहे हैं, किसकी बदौलत वो कहते हैं कि संविधान को हम बदल देंगे? हमारे समाज के लोगों की वजह से वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ताकत का अंदाजा लगा लिया है कि ये सिर्फ बड़बड़ाएंगे, चिल्लाएंगे, इनकी कुछ बस की नहीं है। वो बहुमत में है, वो पूर्ण सत्ता में है, उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका, उन्होंने सारे सब कब्जे कर रखे हैं, वो चाहे जो चाहेंगे वो करेंगे। उसके कैसे कमीने की हिम्मत पड़ गई बताइए आप, कि वो संविधान के बदलने की बात कर रहा है। संविधान हमारा जो भारतीय संविधान है वो दो देश के लोकतांत्रिक है। हमारा देश जो भारतीय संविधान से चलता है उसको एक जिसने अनपढ़ गमार, भाजपा में कौन बैठे हैं, अनपढ़ गमार बैठे हुए हैं, उसमें है कौन, कौन शिक्षित है, कौन समाज की बात करता है, कौन देश की बात करता है, कौन इकोनॉमिक्स की बात करता है, सब वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र को बनाने की कल्पना में बैठे हुए हैं। और मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो लोग बैठे हुए हैं और जो नहीं बोल पा रहे हैं, जो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, उनका हम कह रहे हैं कि चूड़ियां पहन लो। जो एक अनपढ़ गमार व्यक्ति जो एक प्रधानमंत्री का सलाहकार है, ये कहने वाले तो प्रधानमंत्री ही थे, मोदी जी ही कहने वाले थे, जो उससे कहलवाया गया है संविधान बदलने की, देवराय से जो उनका सलाहकार है पीएम मोदी का, तो वो कहने वाले तो पीएम मोदी ही थे इस बात को कि हम संविधान में संशोधन जो हो रहा है उसको ना करके एक बार में ही सीधा बदल दिया जाए। जो इससे पहले जो अनंत हेगड़े हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि हम जो केंद्र में आए हैं संविधान बदलने आए हैं। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं क्योंकि उनका पूरा एजेंडा ही है कि भारतीय संविधान को बदला जाए और देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए। वो तो संकेत उन्होंने 28 मई को ही दे दिया। जो देश, जो संविधान से देश चलने वाला और जो लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट, संसद में जिन्होंने सिंगोल की स्थापना की, सिंगोल क्या है, वो राजतंत्र शाही का प्रतीक है। वो हमारे देश और समाज के लोगों को, हमारे देश को गुलाम बनाने का प्रतीक है। उन्होंने उसको स्थापना करके साबित कर दिया है कि तुमने गुलामी में कदम रख दिया है। ठीक है, फिर हमारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, उसको लेकर के मैंने आंदोलन के लिए तैयारी की, मैं जगह जगह जा रही हूँ उसको लेकर के आंदोलन कर रही हूँ कि जो सिंगोल की स्थापना हुई है वो हमारे भारत देश के नागरिकों को ये संकेत दिया है कि ये तुमने हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी है, देश हिंदू राष्ट्र हो चुका है, वो घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे लोगों को जागना होगा और हक की लड़ाई और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। कल्पना जी, बहुत सारे हमारे समाज के, बहुजन समाज के आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सचिव भी हैं और 131 एससी एसटी के सांसद भी हैं, ओबीसी के भी सांसद हैं, आप ही को क्यों तकलीफ हो रही है? वो लोग तो कोई भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो मरे हुए मुर्दे लोग हैं। अगर उनमें इंसानियत जिंदा होती, अपने महापुरुषों के प्रति अगर उनको ये होती, उनके त्याग या बलिदान को उन्होंने पढ़ा होता या समझा होता, तो वो शायद इसके लिए आवाज उठाते हैं। वो बिके हुए हैं, वो मरे हुए हैं, उनका जमीर मर गया है तो वो क्यों उठाएंगे आवाज। हमने अपने बाबा साहेब को पढ़ा है, संघर्ष को उनका देखा है। जब हम किताबों को पढ़ते हैं उनका संघर्ष को, तो मुझे लगता है कि मैं उनको सामने देख रही हूँ। मैं आंसू नहीं रोक पाती हूँ कि किस तरीके
जैसे हमारे महापुरुषों ने हमें यहाँ तक ला करके खड़ा किया, आज वही कारमा किस तरीके से हमारे महापुरुषों का खत्म हो रहा है। कितने संघर्षों के साथ हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया विरासत के रूप में, आज वो हमारी आंखों के सामने खत्म हो रहा है कि हम संविधान को खत्म कर देंगे। हम कहते हैं कि तुम बदलने की तो बात बहुत दूर की रही है कि तुम उसमें आप संशोधन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तक मैं शांत बैठी थी, अब मैं मैदान में उतर गई। ये तो छोटा सा आंदोलन है, ये तो हमारी शुरुआत है, आगे ईंट से ईंट बजाने की बात तो छोड़ो। नदिया बा देंगे अगर संविधान पे अगर उंगली भी उठाई बदलने की, तो तुम कल्पना कर लो, सोच के बैठे रहो और तैयारी भी कर लो। लेकिन हम कह रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं देवराय को, तुम बदल के दिखाओ। और ये कल्पना न मौत से डरती है, न मरने से डरती है, न मरने से डरती है। और जब बात अगर संविधान की आएगी और हमारे महापुरुषों की संस्कृति विरासत पर आएगी, पीछे नहीं हटेंगे और जान देने में भी पीछे नहीं हटेंगे, जान देंगे तब ये हमारे देश हमारा जो संविधान से चलता है, हमारा देश लोकतंत्र है, हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, तुम्हारी औकात नहीं। तुम सत्ता में आ करके अपनी बहुमत का फायदा उठा रहे हो, तानाशाही दिखा रहे हो, वो नहीं चलने देंगे हम। लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से जो सदन में पहुंचे हैं 131 दलित सांसद और करीब 1100 विधायक भी है देश की जो विधानसभाएं हैं, ये काम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, संविधान के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? वो सब बिके हुए हैं, वो दलाल हैं, ये समाज के दलाल हैं, समाज के लोगों का वोट लेकर के हमारे जनता का जो भोली वाली जनता है उनके लालच में फंस करके वो वोटों को हनन करते हैं हमारे लोगों का, और वो उन वोटों को वो औने पौने दामों में सरकारों को बेचते हैं। लेकिन लेकिन कल्पना जी, यही समाज उनको बार बार सांसद बनाता है, क्योंकि बहुत सारे SC ST सांसद ऐसे भी हैं जो लगातार कई बार से जीतते आ रहे हैं। वो बनाते हैं क्योंकि मजबूरी है, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार खत्म कर दिए, शिक्षा खत्म कर दी। वो चाहते हैं कि हमें जीने के लिए अगर 2 किलो 4 किलो अनाज मिल जाता है सरकार से, तो हमारे लिए वही काफी है। क्योंकि हमारे लोगों की गलती है, यहाँ पर गलती है कि हमारे लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनकी परेशानी दिक्कतों में खड़े नहीं होते हैं हमारे लोग, जो समाज में कहते हैं हम मिशन का काम करते हैं, हम बाबा साहब के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। मैं भी काम कर रही हूँ, आज तक आप लोगों ने मुझे देखा कि मैं कभी इस तरीके से आई हूँ मीडिया के सामने? नहीं आई ना। मैंने देखा जब 28 मई को संसद भवन के अंदर सिंगोल की स्थापना की, मैंने देखा कि मेरे महापुरुषों की विरासत को खत्म करने का पूरा एजेंडा तैयार है इन मनुवादियों का, और हमारे देश को हमारे संविधान को खत्म करने का काम कर रही है सरकार। अब मुझे जरूरत है अपने देश अपने संविधान को बचाने की। मैंने लोगों से अपील की, मैं जगह जगह जा रही हूँ इसके लिए कि या अपने संविधान को अपने महापुरुषों की विरासत को बचाने, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या वर्तमान में भी बचाने की जरूरत है। आपको न्याय के लिए कल्पना जी यहाँ पर भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, अगर आपकी बात इस तरह से नहीं मानी गई तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, और नहीं होगा तो जेल भरा आंदोलन भी करेंगे। और हमने एक ही बात कह दी ना, हम मरने से डरते हैं, हमारे देश हमारे संविधान पे हमारे महापुरुषों की विचारधारा की जब बात आएगी उसको खत्म करने, मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊंगी, मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मुझे क्यों ना भगत सिंह बनना पड़े, मैं सबके लिए तत्पर तैयार रहूंगी। और मैं तैयार होकर के निकली भी हूं इन सब चीजों के लिए। अगर बात आएगी, अगर संवैधानिक रूप से मानेंगे तो संवैधानिक रूप से हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी हम संवैधानिक रूप से आंदोलन कर रहे हैं और संवैधानिक रूप से ही हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर इन्होंने जबरदस्ती की तानाशाही की मेरे साथ या मेरे संविधान के साथ में या देश के साथ में, इन्होंने इसी तरीके से अगर अपनी तानाशाही दिखाई, तो अगर मजबूरी की तो हम संविधान को कल्पना जी आपने अभी जंतर मंतर से जंतर मंतर पे आंदोलन के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी है केंद्र की सरकार से, अगर आपको परमिशन नहीं मिली आंदोलन की तब आप क्या करेंगे? हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट से भी नहीं मिलेगी हम फिर भी आंदोलन करेंगे।
ए मेरा है, क्योंकि हम पीछे किसी भी कीमत में नहीं हटेंगे। मैंने कह दिया ना, उस कंडीशन में तो मोदी पुलिस जेल डाल देती है। हमने कहा ना, जेल भरा आंदोलन हम करेंगे, हम तैयार है ना। परमिशन अभी हमने कानूनी तरीके से, मैंने परमिशन डाली और संवैधानिक तरीके से परमिशन डाली, और उसके बाद संवैधानिक तरीके से अगर मुझे यहाँ से परमिशन नहीं मिली तो मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगी। हाईकोर्ट से भी परमिशन नहीं मिली तो मैं जेल भरा आंदोलन करूंगी। और यही हाईकोर्ट का रास्ता भी है आपके, हम सारे कानूनी जो संवैधानिक तरीके हैं वो सारे हम अपनाएंगे। उसके बाद भी यद नहीं मिला तब भी हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कल्पना जी, आप तो पूरे देश में और प्रदेश में संविधान बचाने की यात्रा निकाल रहे हैं, आपके संविधान को हटाने की शुरुआत हो गई है ऐसा लग रहा है। देखिए, हमारी 2 सितंबर से अभी हमने यात्रा का आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता था पहले से, जिस दिन से इन्होंने सिमोल की स्थापना संसद भवन में की और बाबा साहब की प्रतिमा हटाई, संविधान की अवहेलना की, संविधान का उल्लंघन किया इन्होंने, मैं उस दिन ही समझ गई थी इन्होंने पूरी तरीके से एजेंडा तैयार कर लिया है हमारे देश को, हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को खत्म करने का। इसके लिए मैंने अपने लोगों से, बहुजन समाज से अपील भी की कि देश आपका है, आप देश के नागरिक हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने देश, अपने संविधान को बचाने के लिए आगे आइए। आने वाले समय में 2024 के बाद में समय नहीं मिलेगा, इन्होंने पूरी तरीके से ये एजेंडा अपना तैयार कर लिया है, लेकिन हमारे लोग आज भी निकलने को तैयार नहीं है। आज भी समझते हैं कि अगर मैडम ने ये एजेंडा उठाया है सिंगोल को हटाने का, संविधान को बचाने का, तो इनका कोई राजनीति मुद्दा होगा। जबकि मैं ये बात बार बार अपील कर रही हूँ अपने लोगों से कि हमारा देश खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। आज उस दुष्ट की, आज उसके व्यक्ति की इतनी हिम्मत पड़ गई देवराय की, जो प्रधानमंत्री का पीए है, वो संविधान बदलने की बात कर रहा, अभी 2 दिन पहले की तो ये न्यूज है, उसकी कैसे हिम्मत पड़ गई। ये हमारे बहुजन समाज की नाकामी है, इन्होंने चूड़ियां पहन रखी है। अरे चूड़ियां पहन रखी है अपने बच्चों को बचाने का, अपने देश को बचाने के लिए, आगे तो आ जाओ, लेकिन नहीं। लेकिन संविधान तो पूरे देश का, 140 करोड़ लोगों का है, आपको क्यों ज्यादा जरूरत पड़ी संविधान बचाने की। देखिए, हमारे लोग आज सो रहे हैं, हमारे लोगों को संविधान की ताकत का पता नहीं, इसलिए वो आज सोए हुए हैं। हमने संविधान को पढ़ा है, अपने बाबा साहब को पढ़ा है, अपने महापुरुषों को पढ़ा है कि उन्होंने खून पसीने से सींच करके ये संविधान को की नींव रखी है, जिससे मेरा भारत देश चलता है, भारत देश की अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सुप्रीम कोर्ट चलता है। और ये चीज उन मनुवादियों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे लोगों को गुलाम बनाने की ये साजिश चल रही है। हम वो चीज बताना चाहते हैं अपने लोगों को, जो संविधान में ताकत है, जो तुम्हारे संविधान में अधिकार है, अगर संविधान खत्म है तो तुम खत्म हो। इसको लेकर के मैं पूरे भारत देश में 2 सितंबर से पैदल यात्रा का आरंभ कर रही हूँ और 2 महीने लगातार यात्रा चलेगी। हम कहते हैं ये तुम्हारे बच्चों की यात्रा है, आप उनके अधिकारों को बचाने, ये तुम्हारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसकी यात्री है। यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ खत्म होगी? 2 सितंबर से सामाजिक परिवर्तन चौक से लखनऊ से हमारी यात्रा निकलेगी और यूपी के जो 75 जिले हैं, सभी 75 जिलों में हमारी यात्रा घूमेगी। उसके बाद दिल्ली के आसपास के जो 5 स्टेट हैं, बॉर्डर पड़ते हैं, उनमें पूरे 5 स्टेटों में घूमेगी। 29 अक्टूबर को 2 महीने लगातार यात्रा चलती हुई और 2 सितंबर से 29 अक्टूबर तक दिल्ली जंतर मंतर पे यात्रा पहुंचेगी। उस दिन हम भारत बंद आंदोलन भी करेंगे, संसद भवन जो इन्होंने नई संसद बनाई है उसका घेराव करेंगे, उसमें जो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है और अशोक स्तंभ की लाट नहीं है वो स्थापित की दी है, नहीं तो सिंगोल भी हटाइए, ये भी हमारी साथ में मांग है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 1।
आईएफएससी कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।